हेलो फ्रेंड्स, घर पे पनीर चिल्ली कैसे बनाएं तो आज का मेरा वीडियो है यही। तो चलिए आइए देखते हैं कि घर पे आसान तरीके से किस तरह से पनीर चिल्ली बना सकते हैं। मैंने यहाँ 500 ग्राम पनीर लिया है और उसे बड़े बड़े पीस में काट लिया है। उसके बाद उसमें डालेंगे नमक और उसके बाद हम उसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। उसके बाद हम यहाँ डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और उसे हाथों से मिला लूँगी मैं। इस तरह से हमें मिला लेना है और चारों तरफ लग जाना चाहिए। उसके बाद मैं इसमें एक छोटा कटोरा से इसमें डालूंगी मैदा और मैदे को हाथ से नहीं मिलाऊंगी। देखिए, इस तरह से उछालते हुए मिलाने से जो भी नमक है, ब्लैक पेपर है, तो सारा उसमें अच्छे से वो कवर हो जाएगा। इस तरह से हाथ से लगाने पे वो हट सकते हैं। उसके बाद हम एक कटोरा में लेंगे मैदा और थोड़ा सा लेंगे हम कॉर्नफ्लोर और दोनों का हम घोल बनाएंगे। थोड़ा सा उसमें डालेंगे हम नमक और पानी की सहायता से उसका हम घोल बना लेंगे। इसका पेस्ट इस तरह से होना चाहिए। कढ़ाही या पैन में तेल गर्म करना है और पनीर के टुकड़े को उसमें डिप करना है, डुबाना है, उसके बाद उसमें डाल देना है। इसी तरह सारे पनीर के टुकड़ों को तेल में इसी तरह से डाल देंगे और थोड़ी देर बाद उसे पलट देंगे और उसे हमें हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा हमें रेड नहीं करना है। तो देखिए, हमारा जो है हाफ पक चुका है पनीर, उसका कलर देखिए धीरे धीरे आ रहा है। जब अच्छी तरह से ये ब्राउन हो जाए, देखिए मेरा ब्राउन हो चुका है, तो हम उसे निकाल लेंगे। इसी तरह जितने भी पनीर हैं उसे मैं धीरे धीरे करके इसी तरह से सारे निकाल लूँगी। जब सारे पनीर को मैं इस तरह से निकाल लूँगी, उसके बाद मैं सब्जियाँ तैयार कर रही हूँ। एक प्याज को काटना है चार भागों में और उसका जो पार्ट्स बाय पार्ट्स उसका हम निकाल लेंगे। इस तरह से मैं चार से पांच प्याज मैंने यहाँ निकाला है। दो शिमला मिर्च है, दो लहसुन का टुकड़ा है छोटा छोटा, काली मिर्च है, उसके बाद हरी मिर्च है और अदरक है। उसके बाद तेल गर्म करेंगे और उसमें हम डालेंगे सारे लहसुन को, सारा प्याज, देख सकते हैं प्याज, शिमला मिर्च, उसके बाद अदरक और हरी मिर्च, और इसे डाल के हम इसे फ्राई करेंगे। एक से दो मिनट तक मीडियम आंच पे हमें इसे फ्राई करना है। जब ये दो से तीन मिनट तक फ्राई हो जाए तो देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा बदल गया है, वाइट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च हम एक छोटी चम्मच डालेंगे इसमें। उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी ग्रीन चिल्ली आधी कटोरी, मैंने यहाँ छोटा कटोरा यूज़ किया है। उसके बाद एक कटोरी मैं यहाँ टोमेटो केचप डाल रही हूँ। उसके बाद हम मिक्स कर देंगे, छोटा चम्मच नमक डालेंगे और दो चम्मच मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि सॉस में ऑलरेडी पहले से नमक होता है और चीनी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि सारा का बैलेंस बना रहे। उसी का मैंने धोया हुआ पानी डाला है जिसे मैंने केचप लिया था। उसके बाद मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ। अगर आप ड्राई रखना चाहते हैं तो इतना में ही आप पनीर डाल के और उसे चला के और आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ग्रेवी वाला बना रही हूँ तो मैं इसमें डालूँगी एक गिलास तक पानी और इसमें कॉर्न डालूंगी ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए। आप ऐसे भी अगर कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे तो आपकी सब्ज़ी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी अगर पतली है तो। तो देख सकते हैं कि इसका जो पेस्ट है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब देखिए, मैं इसे चला लूँगी, उसके बाद मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। आप चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा रेड हो तो आप खाने वाला जो रंग आता है, फूड कलर, वो भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। और आप चाहते हैं तो आप इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं, विनेगर भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ केवल चिल्ली सॉस और टोमेटो केचप ही डाली हूँ, तो बस मेरा इसमें दो ही है। देखिए, सारा को मिक्स कर लूँगी और दो से तीन मिनट बाद इसे मैं उतार दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको पनीर चिल्ली मेरा बनाया हुआ कैसा लगा कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।